हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपने पहले मेरी पिछली किटी में देखा होगा, मैंने मानसून थीम किटी पार्टी की थी और रेनी डे के दिन बहुत बढ़िया पार्टी हुई थी। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए मानसून थीम किटी गेम्स, जो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत इंजॉयबल है। आप अपने किटी मेंबर्स को बर्थडे पार्टी में या किसी को भी आप बहुत अच्छे से इन्हें खिला सकते हो, गेट टुगेदर हो आपके घर में और बहुत ही मजे आएंगे। तो चलिए बता देती हूँ इसको किस तरीके से खेलना है। सबसे पहले आप पानी देख के सोच रहे होंगे, लो ये पानी ही सबसे पहले जाएगी। जी हाँ, सबसे पहले मैं पानी वाला गेम, जो बहुत ही मजेदार है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको पानी का बोल लेना है जिसमें मैंने पानी भर दिया है और थोड़े से क्वाइंस ले लिए हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हर एक मेंबर्स को एक पेपर दे दूंगी और उनसे कहूंगी सब अपनी अपनी बोट्स बना लें। मजेदार गेम है ना, सब कहेंगे पता नहीं क्यों बोट्स बनवा रहे, इतना पानी का मौसम है। तो सबसे पहले तो हम बोट्स बनाएंगे। सारे मेंबर्स, हम लोग बचपन में खेलते थे कि बचपन में बहुत सारी हम लोगों ने बोट्स बनाई है, तो वही बारिश में और पानी में बहाई है, तो वही बोट्स हमें बनानी है। किस तरीके से बनानी है लाइए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बोट्स बना लेंगे और सारे मेंबर्स से कहेंगे अपनी बढ़िया बढ़िया बोट्स बना लिया, और सबको आप कलरफुल पेपर दे दीजिए तो सबको बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस तरीके से बोट्स तो सभी को आती होंगी बनानी। जितनी आपको छोटी बोट चाहिए या जितनी बड़ी बोट चाहिए, आप इस पॉट के हिसाब से उनसे बोट बनवा लीजिए। ये दीजिए, हमारी बोट बस तैयारी होने वाली है, और इस तरीके से आप अपनी बोट बना लीजिए। देखिए हमारी बोट बनके तैयार हो गई। गुड, थोड़ी सी मुझे लग रहा बड़ी है, तो मैं इसको फिर से थोड़ी छोटी और कर देती हूँ, ये देखिए, ताकि जो हमारी इसमें तेज है, इस तरीके से आपको ये मेरी थोड़ी छोटी बोट होगी। अब आप सारे मेंबर्स से कहेंगे कि उन्हें अपनी बोट को, देखिए कितनी प्यारी बोट बनके तैयार हो गई है। अब उनसे कहना है कि आपको कि थोड़ी सी मेरी फट गई है, आप अच्छा सा प्लेन पेपर ले लिए ताकि ये बोट आपकी फटे ना। और आप उनसे कहिएगा इस बोट को 1 मिनट में इसमें रखनी है और इस पर क्वाइंस रखने हैं। तो मैं 1 मिनट का टाइमर लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी बोट यहाँ से निकल गई है तो उसमें पानी जल्दी भर जाएगा, तो मैं 1 मिनट का टाइमर लगा लेती हूँ। सबसे पहले लीजिए, अब मेरी बोट तैयार हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया बोट बन के तैयार हुई है। और अब हम 30 सेकेंड का टाइमर लगा देते हैं और फिर इस पर हम क्वाइन रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर बोट रख देते हैं अपनी, हमारी बोट फ्लोट हो रही है। और अब मैं 30 सेकेंड का टाइमर लगाती हूँ और इस पर अपने कॉइन रखती हूँ। 30 सेकेंड में आप जितने कॉइन रख दें और आपकी बोट डूबे ना। लीजिए मेरी बोट डूब गई, यानी मेरे 4 कॉइन्स ही कंप्लीट हुए। आपको इसी तरीके से हल्के हल्के कॉइन रखने हैं ताकि आपकी जो बोट है वो बिल्कुल भी डूबे ना। तो गाइज मेरा स्कोर हो गया 4। तो कैसा लगा आपको गेम? मानसून गेम है, बहुत बढ़िया गेम है। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट गेम की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा गेम है, ये भी बारिश के ऊपर है, टिप टिप बरसा पानी, और बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले भी मैंने जो किटी में डाला था वो भी टिप टिप बरसा पानी का दूसरा गेम था। बहुत ही मजेदार गेम है। इसमें मैंने कुछ स्लिप्स रख रखी है, इसके आगे टिप के आगे डबल, टिप के आगे ऑल, बरसा के आगे सॉरी और पानी के आगे हाफ। तो इसको मैं हटाती हूँ, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे क्या आ गया, हार्ट्स का शेप आ गया। ये आया मेरा क्लब का शेप, ये आया मेरा डायमंड का शेप, एंड ये आया स्पेड का शेप। अब आप समझ गए होंगे, यानी हमें इससे खेलना है ताश के पत्तों से। अब हमें एक पैक ऑफ कार्ड लेना है और इसको शफल कर देना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है इस गेम में, बहुत ही बढ़िया गेम है। और मैंने हर जो भी नंबर है 1 2 3 4 इनके लिए 5 5 पत्ते करें,
तो मैं इनपे पांच पांच पत्ते रख देती हूँ। आप वन बाई वन मेंबर को बुलाइए और उनसे कहिए पांच पांच पत्ते आप इस पे रख दीजिए। अब हमने इस पे फाइव पत्ते रख दिए, हार्ट पे फाइव रख दिए, क्लब पे फाइव रख दिए, डायमंड पे और फाइव रख दिए स्पेड पे। अब कुछ नहीं करना है, बस अब पैक ऑफ कार्ड अलग कर देना है और इसको हमें खोलना है। अब मुझे हार्ट का पत्ता निकालना है। इसमें इसमें कितने हार्ट के पत्ते हैं? इसमें है दो हार्ट के पत्ते, यानी ये हमारे दो हार्ट के पत्ते इसमें निकल आए। ऐसे हमें डायमंड का देखना है, डायमंड में कितने पत्ते आए हैं? एक भी हमारा डायमंड का पत्ता नहीं आया है, ये सारे पत्ते हमारे बेकार हो गए। इसी तरीके से अब हमें क्लब का देखना है, क्लब में दो पत्ते आए हैं, इसको इधर रख देते हैं। और अब स्पेड में देखना है, स्पेड पे मैंने एक दो दो ही पत्ते स्पेड में लिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये स्लिप्स मैंने बनाई थी, इन स्लिप्स को हमें इस पे रख देना है, यानी हार्ट पे, क्लब पे, डायमंड पे और स्पेड पे। अब हमें इसे खोलना है, तो इसको खोलकर हमें क्या करना है, सबसे पहले हार्ट का देखना है सॉरी, यानी हमारे हार्ट के कोई भी पत्ते काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें क्लब पर खोलना है, क्लब का आ गया हमारा हाफ, यानी हमारे टू है, यानी वन पत्ता ही हमारा काउंट होगा इसमें। अब हमें बर्सा में तो, यानी डायमंड में तो कोई हमारा पत्ता ही नहीं है, तो ये बेकार है, इसके लिए कोई फायदा ही नहीं है। अगर देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें है डबल, अगर इसमें एक भी पत्ता होता है तो वो डबल यानी टू काउंट होता, मगर इसमें हमारा कोई भी पत्ता नहीं है। अब हमें इसका देखना है, इसमें हमारा होगा ऑल, यानी इसके दोनों पत्ते, यानी हमारे वन टू थ्री, थ्री हमारा स्कोर हुआ। गाइस कैसा लगे ये गेम? बहुत ही मजेदार गेम है, बहुत मजा आता है। वन बाई वन मेंबर को बुलाइए, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ना कोई चीटिंग है, कुछ नहीं। और आपके मेंबर्स भी बहुत ही मजे करेंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे गेम। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब अपने तीसरे गेम की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा लास्ट गेम है और थर्ड गेम भी है, और ये भी बहुत बढ़िया है। देखिए आप, ये है हैप्पी रेन। और जब बारिश होती है तो हमें क्या क्या चीजों की महक आने लगती है और क्या क्या चीजें हमारे मन में चलने लगती हैं? मेघा, इंद्रधनुष, मिट्टी की खुशबू आती है, बारिश, छाता और ठंडी हवा। ये हम मैंने छह चीजें रख दी है और सबका नंबर है 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, और डाइस में भी हमारे नंबर होते हैं 6। तो इसी तरीके से हमें खेलना है। इसके लिए हमें कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी है, वन बाई वन मेंबर को बुलाना है, इस तरीके की शीट तैयार करनी है, कुछ क्वाइंस ले लेनी है जो मैंने ले ली है, और साथ ही तीन हमें डिस्पोजल कप लेने हैं, ये देखिए। और इनमें हमें क्या करना है, जब हमें वन बाई वन मेंबर को बुलाना है तो हमें उनसे कहना है कि आप इनमें से कोई तीन चीजें चूज कर लीजिए। जैसे समझ लीजिए मैंने कर लिया इंद्रधनुष, बारिश और ठंडी हवा। तो जब हमारे डाइज में 2, 4 and 6 आएगा तभी हम ये जो है ये हम रख देंगे। जैसे मैंने इंद्रधनुष पे रख दिया, ये बारिश पे रख दिया और ये ठंडी हवा पे रख दिया। अब हमें क्या करना है, जब हमारे डाइज में ये चार तीन नंबर ही आएंगे तभी हम इनमें क्वाइंस रखेंगे। और वन मिनट का टाइमर लगाना है, उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको खेलने के बाद बताऊंगी। तो सबसे पहले हम टाइमर लगा लेते हैं 1 मिनट का, और मैं गेम स्टार्ट करती हूँ। टाइमर स्टार्ट हो गया और हमारा आ गया 1, नहीं है मेरा 1, 3 भी नहीं है, 4 है हमारा, 4 और 6। 2, 2 पे इंद्रधनुष पे आ गया तो मैंने एक काउंट कर लिया, 2 पे फिर इंद्रधनुष पे आया, 4, 4 भी मैंने बारिश है, 5 पे कुछ नहीं है हमारा, 2 पे है। इस तरीके से जल्दी जल्दी हमें इसको डालना है। 2 पे फिर आ गया, 2 पे, 3 हमारा नहीं है, 4 हमारा है, 6 पे भी हमारा एक कॉइन आ जाएगा क्योंकि हमने ठंडी हवा को भी चूज करा है, 5 पे नहीं है, 6 फिर आ गया, फिर ठंडी हवा हो गई, 3, 3 हमारा नहीं है, 2, 2 पे फिर आ गया, 4 पे भी हमारा है। तो फटाफट से हमें जितनी जल्दी जल्दी हम रखेंगे उतना ही हमारा स्कोर बनेगा। 5 हमारा नहीं है, 5 फिर हमारा नहीं है, 2 फिर है हमारा, 5 हमारा नहीं है, 6 है हमारा, 5 नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 स्टॉप। मेरा जो गेम है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है। और देखिए कितना मजेदार गेम है, आपके वन बाई वन मेंबर आएंगे और जब ये गेम खेलेंगे तो उन्हें बहुत ही मजा आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें
जो ये मेरे कप्स हैं इनको देखना है। इसमें इनका क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो कप है इसके पीछे मैंने लिखा है डबल, यानी इसमें जितने भी मेरे कॉइन्स हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये तो ऑलरेडी 16 हो गए, ये हमारे 16 हो गए। इसमें मैंने 0, ये काउंट नहीं होंगे तो ये तो बेकार हो गए हमारे। और ये जो है ये सेम, यानी 1, 2, 3, यानी 16, 17, 18, 19, यानी मेरा स्कोर हो गया 19। और बहुत ही मज़ेदार गेम है, जो भी ये गेम खेलेगा वो बहुत ही खुश होगा, बहुत इंजॉय करेगा और आपसे कहेगा वाह बहुत बढ़िया बढ़िया आप गेम लेकर आते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरे आइडियाज पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। थैंक यू, हैप्पी मानसून, और तीजें आने वाली हैं तो मैं तीज पे भी आपके लिए बहुत सारे गेम्स लेकर के आऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।